वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास जो आपको दी गई थी लीनियर अलजेब्रा की, उसमें हमने बात की थी वेक्टर सबस्पेस की। आपको सबस्पेस की डेफिनेशन दी गई थी और किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के सबस्पेस बन जाने की हमने कंडीशन ड्राइव की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, इस टॉपिक में हम सब स्पेस के इंटरसेक्शन को स्टडी करेंगे। सब स्पेस के इंटरसेक्शन को स्टडी करने से हमारी सेंस ये रहेगी कि सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस रहता है या नहीं रहता है। थ्योरम फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस ऑफ वी। मतलब अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है तो इसकी किन्हीं भी दो सब स्पेस, सपोज W1 और W2 की जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो भी सब स्पेस ही होगा। दो सब स्पेस की इंटरसेक्शन सब स्पेस होती है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, हमने कल प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि V कोई भी वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W तब सब स्पेस बनता है जब किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W, ए भी बिलोंग्स टू फील्ड F के लिए, अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू से ही बिलोंग करे। चलिए प्रूफ करते हैं। तो क्या शो करना है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी इज अगेन ए सब स्पेस ऑफ बी, कि किन्हीं भी दो सब स्पेस की इंटरसेक्शन वापस सब स्पेस आया करती है। तो पहले में दो सब स्पेस चाहिए होंगे, एज्यूम कर लिया लेट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर एनी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी, कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कोई भी दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस बी है। Then, पहले तो हम ये शो करेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF। ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा VF का, नॉन एम्प्टी इसमें एलिमेंट्स होंगे, ये एम्प्टी नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। तो एलिमेंट्स क्यों होंगे भाई, देखो अगर W1 सब स्पेस है तो इसमें भी जीरो वेक्टर कंपलसरी रहा होगा, क्योंकि सब स्पेस होने का मतलब है अपने आप में वेक्टर स्पेस बना लेना। तो W1 भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस हुआ, W2 भी सब स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस हुआ, एक ही वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो दोनों का जीरो वेक्टर एक ही होगा, तो जीरो वेक्टर इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, तो कम से कम जीरो वेक्टर तो कॉमन बनेगा ही बनेगा। तो हम यही लिखेंगे since at least zero vector is common in both W1 and W2,
तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, खाली नहीं हो सकता, इसमें एलिमेंट्स होंगे, कम से कम जीरो वेक्टर तो रहा ही होगा। नाउ अब हमें इसे सब स्पेस दिखाना है, किसे? W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन W1 एंड W2। ये वो सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे W1 W2 के कॉमन। तो अब से सब स्पेस दिखाने के लिए मैं इसके दो वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं, अल्फा बीटा एंड फिर लेफ्ट के दो एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं, स्केलर्स ए और बी। वेल अगर अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट हैं, तो अल्फा बीटा एलिमेंट रहे होंगे W1 के भी और अल्फा बीटा एलिमेंट प्रेजेंट रहे होंगे W2 में भी, तब तो दोनों कॉमन होकर उनके इंटरसेक्शन में आए। वेल सिंस ईच ऑफ W1 एंड W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF। अब देखिएगा W1 और W2 दोनों के दोनों सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF के। W1 सबस्पेस है, W2 भी सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। सो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ। क्या इंप्लाई करेगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वन सब स्पेस है। सब स्पेस की प्रॉपर्टी ये थी कि आपसे किसी भी दो वेक्टर अल्फा बीटा को लें, फील्ड एफ के कोई भी दो स्केलर लें ए और बी, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा वापस सब स्पेस से ही बिलोंग करता है, तो अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू वन से बिलोंग करेगा। ऐसे ही डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, तो अल्फा बीटा अगर डब्ल्यू टू के एलिमेंट है ए और बी फील्ड एफ के एलिमेंट है। अब डब्ल्यू टू भी सब स्पेस है, तो अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू टू से। हेंस ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट डब्ल्यू वन में भी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट डब्ल्यू टू में भी है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू से। किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के लिए एंड फील्ड एफ के किन्हीं भी दो स्केलर ए और बी के लिए। इसके किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा के लिए, फील्ड के किन्हीं भी दो स्केलर ए और बी के लिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा इससे बिलोंग करता है, तो सेट क्या हुआ? सब स्पेस। Hence, W1 intersection W2 is a subspace of VF। पर अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी एक मिनट में वापस आता हूं, तब तक आपसे नोट कर लीजिए।